दोस्तों, चाहे आप अपने पूरे शरीर को कितना भी ज्यादा मस्कुलर बना लें, लेकिन अगर आपके हाथ पतले हैं तो ये बहुत ही ज्यादा खराब लगता है। और इसीलिए आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिन्हें करके आप अपने पूरे हाथ को अच्छा खासा चौड़ा बना पाएंगे, और वो भी बहुत ही कम समय में। आप लोगों को बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स नहीं पता है जो आप अगर अपनी एक्सरसाइज में इंक्लूड करते हैं तो आपके हाथ बहुत ही जल्दी चौड़े होने लगते हैं। उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाथों को चौड़ा करने के लिए हम केवल अपने बाइसेप और ट्राइसेप को ट्रेन नहीं करते, इसके साथ में हम अपने फोरआर्म मसल्स को भी ट्रेन करते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो हाथ होता है वह एक दूसरे से जो मसल्स होती हैं, जो फोरआर्म मसल होती हैं, बाइसेप मसल होती है, ट्राइसेप की मसल होती है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो चौड़ा हाथ करने के लिए इन तीनों मसल्स को हमें ट्रेन करना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको सबसे पहले फोरआर्म का वर्कआउट बताऊंगा, फिर मैं आपको बाइसेप का वर्कआउट बताऊंगा और ट्राइसेप का वर्कआउट बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि किस किस दिन किस तरह से इन्हें परफॉर्म करना है। तो आते हैं अपने सबसे पहले फोरआर्म वर्कआउट पे, जिसे हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। इस वर्कआउट को हम बोलते हैं रिस्ट रोलर वर्कआउट। इसमें हमें क्या करना होता है, अपनी कलाइयों से, अपने पंजों से, इस तरीके से कोई भी स्टिक आप लोग ले सकते हो, कोई भी आप लोग ऐसा रोड ले सकते हो, उसमें भारी चीज को बांध के रस्सी के द्वारा इस तरीके से एक्सरसाइज को आप परफॉर्म कर सकते हो। और रिस्ट रोलर एक्सरसाइज को हम जिम में भी परफॉर्म कर सकते हैं, घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है। अगर आप लोग अपनी कलाइयों को, अगर आप लोग अपने फोरआर्म को मस्कुलर बनाना चाहते हैं, चौड़ा बनाना चाहते हैं, और इस एक्सरसाइज में हम लोग दो सेट परफॉर्म करेंगे, और दोनों सेट में इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोगों को रस्सी को ऊपर से नीचे ले जाने में और नीचे से ऊपर ले जाने में पूरा पूरा एक मिनट लगना चाहिए, तभी ये एक्सरसाइज आपके ऊपर सही से वर्क करेगी। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं फोरआर्म के दूसरे वर्कआउट के बारे में, जिसे हम बोलते हैं रिस्ट कर्ल। इसमें हम क्या करेंगे, डंबल को अपने हाथों से लेंगे और कुछ इस तरीके से रिस्ट रोल करके परफॉर्म करेंगे। रिस्ट रोल एक्सरसाइज जो होती है ये आपके फोरआर्म के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसके हम लोग करेंगे तीन सेट, और तीनों सेट में हम कम से कम 12 रेप्स लगाएंगे, तभी ये आपके फोरआर्म पे सही से वर्क करेगा। तो ये हमारा फोरआर्म का वर्कआउट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने बाइसेप के वर्कआउट पे। बाइसेप के लिए जो सबसे अच्छा हमारा वर्कआउट होता है वो होता है बाइसेप कर्ल, जिसमें हम कुछ इस तरीके से डंबल को लेंगे और बाइसेप कर्ल को इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। एक बात को ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग बाइसेप कर्ल करो तो आप लोगों का फेलियर तक जाना बहुत ही जरूरी है। फेलियर का मतलब हो गया कि मान लो अगर आप 11 बार रेप्स करते हो और आप लोग 12 रेप्स नहीं कर पा रहे, तब भी आपको पूरी ताकत लगा के 12 रेप को करना है। आप लोगों को तब तक रेपिटेशन करना है जब तक आप लोग एकदम फेलियर तक ना पहुंच जाओ। मतलब उसके अगला यानी कि 12वें के बाद जो आप अगला रेपिटेशन करोगे वो आप बिल्कुल लगा ही ना पाओ, तब तक आप लोगों को रेप्स करने हैं। बाइसेप कल के हम लोग करेंगे पूरे तीन सेट, और तीनों सेट में मिनिमम आपको 12 रेप्स लगाने हैं। नेक्स्ट वर्कआउट पे आते हैं, जो कि है हमारा हैमर कर्ल। इसमें हम लोग कुछ इस तरीके से डंबल को लेते हैं और इस तरीके से हैमर कर्ल को परफॉर्म करते हैं। इस एक्सरसाइज को भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी आपको पूरा फेलियर तक जाना है। आप लोगों को लगाने हैं पूरे तीन सेट, और तीनों सेट में आपको मिनिमम 12 रेप्स लगाने हैं। तो यहाँ पर हमारा बाइसेप का वर्कआउट कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं अपने ट्राइसेप मसल्स की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मसल है। अगर आप अपने हाथों को चौड़ा बनाना चाहते हैं तो ट्राइसेप में जो हम सबसे पहला वर्कआउट करेंगे वो हम करेंगे स्कल क्रशर। इसमें हम क्या करते हैं, अपने हाथों में आप लोग चाहे डंबल ले सकते हैं या फिर कोई बारबेल ले सकते हैं, कोई भी यहाँ पर आप जिगजैग रोड ले सकते हैं। उसके बाद फिर इस तरीके से हम इसको परफॉर्म करते हैं। हमें इस तरीके से बेंच पे लेट जाना होता है और फिर इस तरीके से स्कल क्रशर को परफॉर्म करना होता है। स्कल क्रशर एक ऐसा वर्कआउट है जो आपके ट्राइसेप मसल को काफी तेजी से बनाता है, उन्हें काफी तेजी से चौड़ा करता है। तो आप लोग इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। स्कल क्रशर के हम लोग करेंगे पूरे दो सेट, और दोनों सेट में आपको 12 रेप्स लगाने हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्कआउट होगा वो होगा हमारा केबल पुश डाउन। आप लोगों को क्या करना है कि केबल मशीन पे आ जाना है और कुछ इस तरीके से केबल पुश डाउन को आप लोगों को परफॉर्म करना है। एक बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि केबल पुश डाउन पे आप लोग उतना ही वजन लो जितना कि आपसे लग सके, जिसको आप आराम से नीचे पुश डाउन कर सको, और इस तरीके से केबल पुश डाउन को आप परफॉर्म करेंगे। और केबल पुश डाउन के हम लोग करने होते हैं पूरे तीन सेट, और तीनों सेट में आपको 12 रेप्स लगाने हैं। और अगर उससे ज्यादा आप निकाल पाते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। जितने अच्छे से करोगे, जितने रेप्स निकालोगे, उतना ही आपके ट्राइसेप मसल तेजी से ग्रो होगा। वर्कआउट खत्म होने के बाद में ये बात का आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों को हाई प्रोटीन वाला फूड लेना है, ताकि आप लोगों का जो मसल ग्रोथ है वो तेजी से हो पाए और आपकी मसल रिकवरी अच्छे से हो पाए। तो आप लोगों को वर्कआउट तो पता चल गया अपने हाथों को बनाने के लिए, अपने हाथों की मसल ग्रोथ कराने के लिए। अब यहाँ पे आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि इन वर्कआउट को आप लोगों को कब कब परफॉर्म करना है। देखो, ये चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही मसल ग्रोथ आप लोगों का ज्यादा होगा। तो आप लोगों को ये कोशिश करना है कि वर्कआउट को आप लोगों को हफ्ते में कम से कम दो बार करना है। अगर आप लोग ये हफ्ते में दो दिन परफॉर्म करते हो तो उतना ही ज्यादा आपकी मसल स्टिमुलेट होगी। बस ये बात का ध्यान रखना है कि लगातार एक दिन के बाद अगले दिन आपको ये वर्कआउट नहीं करना है, मतलब आपको इसको एक दिन परफॉर्म करना है
उसके बाद 2 दिन का रेस्ट लेना है, तीसरे दिन आप लोगों को ये वर्कआउट फिर से परफॉर्म करना है। 1 हफ्ते में 2 दिन परफॉर्म करोगे, आपकी मसल ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो डेली आपको देखने को मिल सके। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।